हाय गाइस, वेलकम टू इजी फाइव प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़। कल मार्केट में हमने बहुत बड़ा क्रैश देखा। बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली 30% एंड इथीरियम 40% तक क्रैश हुआ। इस क्रैश की शुरुआत जो थी वो इलॉन मस्क की न्यूज़ के द्वारा हुई, जहां पर उन्होंने बोला कि हम लोग अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ पेमेंट ऑप्शन। बट जो ये फाइनल ब्लो था वो आया चाइना की न्यूज़ के बाद, जब चाइना ने कहा कि वो बिटकॉइन को बैन कर रहे हैं और बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन्स हैं अब चाइनीज़ बैंक्स जो है वो प्रोसेस नहीं करेंगे। ये न्यूज़ के बाद मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया और हमने देखा कि मार्केट जो सारे की सारी ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी थी वो रेड में थी। एक दो को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी की सारी मार्केट रेड में थी। बिटकॉइन अपने आप में 30% गिरा और ऑल्ट कॉइन सिंस ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं बिटकॉइन के साथ, तो वो बिटकॉइन की टर्म्स में गिरे तो वो इन टोटलिटी रुपीज़ की टर्म्स में 40-50% तक भी गिर गए। इसकी वजह जो चाइनीज़ ये बैन बताई जा रही है, बट जो लोग मार्केट में नए हैं सिर्फ उन्होंने पैनिक सेल किया। जो मार्केट में बहुत टाइम से हैं उन्हें पता है कि ऐसे ऐसे फंड्स पहले भी चलते आए हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो 2013 में भी ये फंड आया था कि चाइना इज़ गोइंग टू बैन बिटकॉइन, और 2017 में भी सेम फंड आया था कि चाइना इज़ गोइंग टू बैन बिटकॉइन, और 2021 में भी हम सिमिलर फंड देख रहे हैं। तो ये फंड बहुत ही ज़्यादा साइक्लिक हैं और बार बार आते रहते हैं। जो सीजनड इन्वेस्टर्स हैं, जो रेगुलरली बहुत सालों से क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए हैं, दे नो कि ये टेम्परेरी फेज है। इनफैक्ट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टोस को बाय करने के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रैली का एंड नहीं होता, बिकॉज रैली के एंड में एक अनसर्टेनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए। कभी भी पैनिक सेल का ऑप्शन नहीं आता। वहाँ पर क्या होता है, या तो पहले ऑल्ट कॉइंस डाउन होंगे फिर बिटकॉइन डाउन होगा, यहाँ पहले सिर्फ बिटकॉइन डाउन होगा और ऑल्टकॉइंस चढ़ते रहेंगे। तो ऐसा सा सीन बनता है रैली के एंड में। ये रैली का एंड मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास 2-3 महीने का मोमेंटम अभी रैली के लिए और है। ये जो डंप है ये काफ़ी बड़ा और सीवियर डंप है, एंड इट माइट टेक अ मंथ और टू इसे रिकवर करने के लिए। पर यहाँ पर अभी मार्केट में पैनिक सेल की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर हम ये मान लें कि ये मार्केट का लास्ट भी था और ये मार्केट बुल मार्केट का एंड भी है, तब भी एक रिबाउंड ज़रूर होगा टू द मीन लेवल्स, ताकि दोबारा जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो नए इन्वेस्टर्स को पकड़ सके और इंस्टीट्यूशंस अपने पैसे डंप कर सकें। आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ये डंप नहीं आया था और मेजॉरिटी बड़ी कंपनीज ने जो है अपने क्रिप्टो को होल्ड कर दिया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क के ट्वीट में उन्होंने ये भी इशारा किया है कि उन्होंने टेस्ला के डायमंड हैंड्स हैं एंड उन्होंने अभी तक टेस्ला में कुछ भी शेयर नहीं सेल किए हैं बिटकॉइन के। वहीं माइक्रोस्ट्रेटजी ने और बिटकॉइन खरीदे हैं वर्थ $10 million और उन्होंने भी इस क्रैश में कुछ भी सेल नहीं किया है। ये कंप्लीट इंडिकेशन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल से लिक्विडिटी लेके आने का ये क्रैश एक प्री डिफाइंड क्रैश था और फंड फैलाया गया ताकि रिटेल पैनिक सेल कर दे और इंस्टीट्यूशंस और खरीद सकें, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूशंस ने सेल करना नहीं शुरू किया है। बट अगेन एज आई मैंशनड बिफोर कि रैली में जब भी आपके पैसे बन रहे हों, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ऐसे से जब भी ऐसे से क्रैश आए तो आपकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा ना हिले। और एक डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है तो यूफोरिक हो जाते हैं और बिल्कुल भी सेल नहीं करते हैं, जबकि जब मार्केट गिर रही हो तब होल्ड करने का या खरीदने का सही टाइम है, और जब मार्केट चढ़ रही हो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगी। तो यानी कि जैसे ही आपके पास 50% प्रॉफिट आ जाए आप तब अपना 10-20% लिक्विडेट करें पोर्टफोलियो का, जब आपके 100% और गेन्स आ गए तब गेन करें। तो ऐसे साइक्लिक वे में जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे पार्शियली, तो ऐसी चीज़ें आपको हार्म नहीं करेंगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमने एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पूरे कोर्सेज बना रखे हैं, क्रिप्टो नाइट एंड क्रिप्टो नेक्स्ट, जो आप finstead.in पर जाकर के देख सकते हैं और मेरे जो फंडामेंटल एनालिसिस के तरीके हैं उन्हें समझ सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही कोई एजुकेशनल कंटेंट पीस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।